जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। अगस्त माह के हिसाब से डेली करंट अफेयर्स की अपनी क्लास चल रही है, जो आज की क्लास से सबसे बिल्कुल न्यू है। इस क्लास में अपने अगस्त माह की ऑब्जेक्टिव क्यूज के रूप से क्वेश्चनों का डन किया गया है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उनको कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनका अपन सोल्यूशन करेंगे, और बिल्कुल आपको बोर्ड की स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के मध्य अभी जम्मू कश्मीर को लेकर वर्तमान में आपको मालूम है बहुत सारे घटनाक्रम चल रहे हैं, तो ऐसे ही जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान के मध्य चलने वाली सबसे प्राचीन रेलवे ट्रेन कौन सी है, क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम सही प्रकार से पढ़ना है, आपके बोर्ड पे स्क्रीन पे चल रहा है कि भारत पाकिस्तान के मध्य चलने वाली सबसे प्राचीन रेलवे ट्रेन कौन सी है। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे प्राचीन रेलवे ट्रेन पे अपन को ध्यान देना है। नंबर वन ए ऑप्शन है समझौता एक्सप्रेस, बी ऑप्शन है मैत्री एक्सप्रेस, सी ऑप्शन है थार एक्सप्रेस और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। देखो, भारत पाकिस्तान संबंधित रेलवे को लेकर जो भी घटनाक्रम जोड़े गए हैं, दोनों देशों को आपस में सहयोग के लेकर एक दूसरे को जोड़ना है। रेलवे ट्रेन और रेलवे ट्रेन से जो भी व्यापार से संबंधित गतिविधियां होती हैं उनमें तो सहयोग होता ही है, लेकिन भारत पाकिस्तान से संबंधित जो मनमुटाव चलता रहता है उसको दूर करने के लिए इन ट्रेनों का संचालन और बहुत सारी सुविधाएं जो भारत पाकिस्तान को लेकर चलाई गई है। तो इसका जो ऑप्शन है समझौता एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस, शिमला समझौता हुआ था उस समय ये रेलवे ट्रेन शुरू की गई थी, तो एक मैत्री एक्सप्रेस है जिसे बाद में मैत्री एक्सप्रेस जो भारत बांग्लादेश के बीच भी चलती है, भारत पाकिस्तान के बीच भी चलती है, एक थार एक्सप्रेस है और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो सही आंसर आएगा उसका सही आंसर है सी ऑप्शन थार एक्सप्रेस। जो ये थार एक्सप्रेस ट्रेन है ये भारत पाकिस्तान के मध्य चलने वाली सबसे प्राचीन ट्रेन है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कौन सी, थार एक्सप्रेस, जिसमें सही ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट का अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुषमा स्वराज, अभी अगस्त माह में सुषमा स्वराज का देहांत हुआ है, उनसे संबंधित क्वेश्चन है, सुषमा स्वराज से संबंधित असत्य कथन बताइए। क्वेश्चन क्या है कि सुषमा स्वराज से संबंधित असत्य कथन बताइए। ए ऑप्शन है कि सुषमा स्वराज का जन्म अंबाला पंजाब में हुआ है, सुषमा स्वराज बी ऑप्शन है विदिशा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है वहां से चुनाव लड़ती है, सी ऑप्शन है ये दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है और डी ऑप्शन है 17वीं लोकसभा में, जो वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है 17वीं लोकसभा में सुषमा स्वराज ने चुनाव लड़ा था। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है ए बी सी और डी, चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है ए बी और सी, तीनों ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है ए ऑप्शन और सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन में दिया हुआ है केवल मात्र डी सही है। इसमें आपको क्वेश्चन निकालना है कि तीन तो सही है और एक गलत है, ऐसे क्वेश्चन वर्तमान में किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। असत्य कथन आपको स्टार्टना है, सुषमा स्वराज से संबंधित तीन बातें बिल्कुल सत्य है और एक जो कथन दिया हुआ एक असत्य, तो क्वेश्चन पे ही बिल्कुल वेराइटी देनी है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, असत्य कथन या असत्य ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पर जो 17वीं लोकसभा दे रही है, 16वीं जो लोकसभा है इसका जो कार्यकाल था 2014 से लेकर 2019 तक 16वीं लोकसभा का कार्यकाल था, और इस लोकसभा में फॉरेन मिनिस्टर भारत की पहली महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी। 17वीं लोकसभा में सुषमा स्वराज ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, जो वर्ष 2019 में मई 2019 में जिसके लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इनका जन्म अंबाला में हुआ, बी ऑप्शन सही है ये विदिशा मध्य प्रदेश से, 16वीं लोकसभा में कहां से चुनाव लड़ा है, विदिशा मध्य प्रदेश से, सी ऑप्शन ये दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है और भारतीय जनता पार्टी से भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। दिल्ली में अगर आपको विशेष माल रूप से याद हो तो शीला दीक्षित सर्वाधिक समय तक रहने वाली दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री है,
जिनका भी देहांत हो चुका है लगातार 1998 से लेकर 2013 तक, लास्ट 13-14 तक, 1998 से लेकर 2013 तक दिल्ली की जो महिला मुख्यमंत्री रही है शीला दीक्षित, जिनका देहांत भी हो चुका है और सुषमा स्वराज का भी देहांत हो चुका है। तो इसमें जो बिल्कुल सही आंसर है असत्य कथन है, जो है बिल्कुल डी ऑप्शन। सत्रवीं लोकसभा में सुषमा स्वराज ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, सत्रवीं लोकसभा से सुषमा स्वराज का कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप्टा पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? क्वेश्चन क्या है, बाप्टा पुरस्कार, जितने भी ऑनर्स होते हैं प्रसिद्ध ऑनर्स, उनमें से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। क्वेश्चन आपको बिल्कुल बोर्ड की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसके चार ऑप्शन देखते हैं कि बाप्टा पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। ए ऑप्शन है पर्यावरण, बी ऑप्शन है संगीत, सी ऑप्शन है कला, डी ऑप्शन है एग्रीकल्चर कृषि। इसमें जो सही आंसर है बाप्टा पुरस्कार का संबंध संगीत से है, म्यूजिक से है। तो बाप्टा पुरस्कार, जैसे ऑस्कर पुरस्कार का आपने नाम सुना होगा, ऐसे ही एक और सबसे जो फेमस पुरस्कार होता है कान फिल्म महोत्सव, कि कान शहर का नाम है, कान स्थान का नाम है, शहर का नाम, और ये फ्रांस देश में, कहां पर है, फ्रांस, जो फ्रांस देश है यूरोप महाद्वीप में। तो कान फिल्म महोत्सव बिल्कुल प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, ऐसे बाप्टा पुरस्कार है जो दिए जाते हैं जिसका संबंध किससे है, फिल्म संगीत से है। और ऑस्कर पुरस्कार है, और भारतीय सिनेमा की दृष्टि से भारतीय फिल्म महोत्सव में योगदान में जो पुरस्कार दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का संबंध जैसे किस क्षेत्र से, फिल्म संगीत से, वैसे ही बाप्टा पुरस्कार का संबंध फिल्म संगीत से। इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी की स्थापना कब की गई? ये देश आजादी के समय यूजीसी की स्थापना में जो सर्वाधिक योगदान है 1950-51 में, वर्तमान में जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके बाद में देश के प्रथम उपराष्ट्रपति उन्हीं के समय बने सर्वपल्ली राधाकृष्णन का यूजीसी की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसका मुख्यालय वर्तमान में कहां पर, नई दिल्ली में स्थित है। तो यूजीसी के जो यूजीसी है जो उच्च शिक्षण संस्थान है जिनसे संबंधित एजुकेशन से, तो इसके अगस्त 2019 में यूजीसी का वर्तमान में अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये आपका क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है ए के गुप्ता, बी ऑप्शन है एन गुप्ता, सी ऑप्शन है एम गुप्ता, और डी ऑप्शन है AR गुप्ता। इसने डायरेक्ट आपसे क्या पूछा है, यूजीसी का अध्यक्ष बना पूछा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये उच्च एजुकेशन के लिए लागू होता है, और इसको हिंदी में अपन बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं अगस्त 2019 में, उनका नाम है AK गुप्ता, विशेष रूप से ध्यान रखना है अमित कुमार गुप्ता, AK गुप्ता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष है, जिन्हें अगस्त 2019 में बनाया गया है। और ये उच्च शिक्षा के लिए जैसे आपको यूजीसी करना है, नेट करना है, PhD करना है, उससे संबंधित कॉलेज स्तर पर यूनिवर्सिटी स्तर पर ये एजुकेशन के लेकर पूरे भारत में कार्य करती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर कॉरिडोर के संबंध में सत्य कथन बताइए। देखो पहले आपसे सुषमा स्वराज से संबंधित जो क्वेश्चन था वह असत्य पूछा गया था, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि करतारपुर कॉरिडोर से संबंधित सत्य कथन बताइए। ए ऑप्शन है करतारपुर कॉरिडोर भारत में स्थित है, बी ऑप्शन है करतारपुर कॉरिडोर का संबंध सिख संप्रदाय से है, सी ऑप्शन है ये पूर्ण रूप से भारत और चीन में स्थित है, डी ऑप्शन है ये भारत और पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान में करतारपुर कॉरिडोर अगस्त माह में काफी चर्चा में रहा, जम्मू कश्मीर का जब भारत में विलय किया गया उस समय भी ये चर्चा में था, और वर्तमान में करतारपुर कॉरिडोर से नेशनल हाईवे से संबंधित काफी कार्य चल रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन है AB और CD चारों ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन है B और C सही है,
सी ऑप्शन है, बी और डी ऑप्शन है सही है, और डी ऑप्शन है, सी और डी ऑप्शन सही है। इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बी और डी, इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो करतारपुर कॉरिडोर है इसका संबंध सिख संप्रदाय से है। जो सिख अल्पसंख्यक वर्तमान में भारत में आते हैं, सिख समुदाय जैसे इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म को छोड़कर सभी धर्म अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। जैन है, बौद्ध है, इस्लाम है, ईसाई है, सिख है। तो करतारपुर कॉरिडोर का संबंध बी ऑप्शन सिख संप्रदाय से है, और डी ऑप्शन ये भारत और पाकिस्तान के मध्य वर्तमान में करतारपुर कॉरिडोर स्थित है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे का निर्माण चल रहा है। तो इसका सी ऑप्शन बी और डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप के ब्रिटिश वैज्ञानिकों के द्वारा, यूरोप महाद्वीप के ब्रिटिश वैज्ञानिकों के द्वारा विश्व का सबसे पतला सोना, गोल्ड जो होता है उसके बारे में, ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का सबसे पतला सोना 2D या सेकेंड डी की खोज की गई, 2D या सेकेंड डी की खोज की गई अगस्त 2019 के अनुसार इस सोने का उपयोग, इस गोल्ड का उपयोग जो सेकेंड डी जिसकी खोज की गई है किस क्षेत्र में किया जाता है। एक बार फिर आपको क्वेश्चन विशेष रूप से समझना है, ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का सबसे पतला सोना 2D या सेकेंडी बनाया गया या खोजा गया जिसका उपयोग वर्तमान में किस क्षेत्र में किया जाता है। ए ऑप्शन है मेडिकल, जो साइंस है मेडिकल साइंस में रोगों की जांच करने के लिए। बी ऑप्शन है जो वर्तमान में वाटर है पानी की अशुद्धियों को दूर करने के लिए। सी ऑप्शन है विज्ञान व प्रौद्योगिकी के प्रयोग में, जो भी नवाचार के प्रयोग किए जाते हैं उनसे संबंधित प्रयोग किया जाता है, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी आंसर सही है। जैसे आपने सुना होगा अमेरिका में नासा है, भारत में इसरो है, ऐसे ब्रिटिश के साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, जिनके द्वारा सेकंड डी नामक सूक्ष्म पतला सोना खोजा गया है, उसकी खोज की गई है। तो ये जो ब्रिटिश के साइंटिस्ट है उनके द्वारा इसका जो खोजा गया, इसका जो प्रयोग है वर्तमान में, ये उपयुक्त सभी डी ऑप्शन इसमें सही आएगा। मेडिकल साइंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है, रोगों को दूर करने के लिए, जांच करने के लिए, पानी की अशुद्धियों को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, और वो विज्ञान और औद्योगिक के क्षेत्र में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें डी ऑप्शन उपयुक्त सभी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर को लेकर, वर्तमान में अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में व्यभिचार अपराध, एक अपराध है जो कानून है, व्यभिचार अपराध को असंवैधानिक, व्यभिचार अपराध को असंवैधानिक घोषित किया गया। असंवैधानिक का अर्थ होता है किसी बिल को, अधिनियम को संसद में रखना और उस बिल को संसद या जो सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल असंवैधानिक घोषित कर दे कि ये बिल लागू नहीं होगा। तो जम्मू कश्मीर में व्यभिचार अपराध को असंवैधानिक घोषित किया गया, तो इस बिल से संबंधित निम्न से कौन सा कथन सत्य है। वापस क्वेश्चन पूछा है कौन सा कथन सत्य है। ए ऑप्शन है व्यभिचार को मूल अधिकारों की स्थिति को सीमित करता है, जो नागरिकों के मूल अधिकार है उनको यह सीमित करता है। बी ऑप्शन है ये केवल जम्मू कश्मीर में ही लागू है। सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर 1948 में इसको लागू किया गया। और ये तो आपके तीन बिल्कुल ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसमें जो चार ऑप्शन बनाए गए हैं ए ऑप्शन में दिया गया, ए और बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन में बी और सी सही है, सी ऑप्शन में सी और डी सही है, और डी ऑप्शन में ए बी सी तीनों सही है। अब इसमें आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझना है व्यभिचार, देखो मानव अधिकार और मौलिक अधिकार जैसे अधिकार होते हैं ऐसे यहाँ के जम्मू कश्मीर के एक राजा थे रणजीत सिंह, जम्मू कश्मीर के राजा रणजीत सिंह के समय व्यभिचार संवैधानिक बिल पारित किया गया और ये जम्मू कश्मीर राज्य में सीमित है। तो इसका जो आपको बिल्कुल ऑप्शन दिखाई दे रहा है ए और बी, ए ऑप्शन ये इसमें सही है
कि व्यभिचार को मूल अधिकारों की स्थिति को सीमित करता है। मूल अधिकार जैसे लागू होते हैं वैसे ही व्यभिचार ये लागू होगा और ये केवल मात्र जम्मू कश्मीर राज्य में ही लागू था। अभी वर्तमान में ये बिल सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है और सर्वोच्च न्यायालय ने इसको घोषित नहीं किया गया, इस पर रोक लगा रखी है। तो व्यभिचार बिल का संबंध जम्मू कश्मीर ए और बी दोनों इसमें ऑप्शन सही है, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल देखते हैं। अगस्त 2019 में ब्रह्मोस नामक मिसाइल, जैसे आपने राफेल सौदा का नाम सुना होगा वैसे ही अगस्त 2019 में ब्रह्मोस नामक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। अतः ये जो मिसाइल भारत में बनाई गई है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, ये किन दो देशों के सहयोग से, या ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल बैटरी का निर्माण जो किया गया किस देश के सहयोग के साइंटिस्टों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है? ए ऑप्शन है भारत और जापान, बी ऑप्शन है भारत और रूस, सी ऑप्शन है भारत और चीन, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अभी अगस्त 2019 में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल बैटरी का निर्माण किया गया है जो भारत की पहली स्वदेशी निर्मित मिसाइल है। लेकिन स्वदेशी निर्मित तो है, लेकिन ये जो ब्रह्मोस क्रूज जो मिसाइल है जिसके परीक्षण आपने नाम सुना होगा इसरो डीआरडीओ इनके द्वारा किए जाते हैं, इसमें रूस के साइंटिस्टों का रूस के वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। तो इसमें जो इसका ऑप्शन होगा इस आंसर में जो इसका इस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा बी ऑप्शन भारत प्लस रूस, भारत और रूस के साइंटिस्टों के सहयोग से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल बैटरी का निर्माण अगस्त 2019 में किया गया है। जैसे राफेल सौदा है लड़ाकू विमानों को लेकर भारत और फ्रांस के मध्य, ऐसे ही ये भारत और रूस के साइंटिस्टों से मिलकर इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट इसमें बिल्कुल अगला क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अभी वर्तमान में अगस्त 2019 में 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। ये पुरस्कार राहुल रेवल एक व्यक्ति है राहुल रेवल नामक समिति की सिफारिश पर दिए गए, राहुल रेवल नामक समिति की सिफारिश पर ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राहुल रेवल की समिति की सिफारिश पर जो पुरस्कार दिए गए हैं इनमें से निम्न में से कौन सा सम्मिलित, आपको सम्मिलित करने हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं और चार ऑप्शन आपके बिल्कुल सामने दे रखे हैं। ए ऑप्शन है बेस्ट एक्टर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अभिनेता जो एक्टर होता है उसका पुरस्कार 66वें राष्ट्रीय फिल्म किसको मिला है। ए ऑप्शन में इधर दे रखा है आपको सम्मिलित करने में विक्की कौशल या आयुष्मान खुराना दोनों को संयुक्त रूप से। बी ऑप्शन है बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म पुरस्कार किसको मिला है आदित्य धर या उरीद सर्जिकल स्ट्राइकल के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक जो वर्तमान में किया गया था बालाकोट पाकिस्तान में उसका इसमें वर्णन है। सी ऑप्शन है बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का पुरस्कार संजय लीला बंसाली पद्मावत मूवी के लिए, और डी ऑप्शन है बेस्ट मराठी फिल्म भोंगा के लिए। तो इसमें ए बी सी डी और इधर 1 2 3 4 है, ये आपको क्वेश्चन सम्मिलित करने हैं। ए ऑप्शन में आपको देखा है फर्स्ट ऑप्शन में ए बी और सी डी चारों ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है डी सी बी ए सही है, सी ऑप्शन में दे रखा है बी सी डी ए सही है, और डी ऑप्शन में दे रखा है ए बी सी डी सही है। यानी कि दो एक और दो तीन और चार ऑप्शन बिल्कुल सामने आपको दिखाई दे रहे हैं 66वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार को लेकर। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि इसमें डी ऑप्शन सही आएगा, ए बी और सी डी चारों सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दो व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है विक्की कौशल प्लस आयुष्मान खुराना दोनों को संयुक्त रूप से। बी ऑप्शन बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार आदित्य धर और उरी दो व्यक्तियों को दिया गया है जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बालाकोट पे किया गया था भारतीय एयरफोर्स के द्वारा वो इस मूवी में दर्शाया गया है, और जो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर है उसका पुरस्कार संजय लीला बसराली को पद्मावत फिल्म के लिए दिया गया है, और बेस्ट मराठी फिल्म भोंगा के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो डी ऑप्शन
ABCD इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आपको याद हो तो 66वें फिल्म पुरस्कारों में राजस्थानी फिल्म टर्टर, यानी कि हर क्षेत्र की एक एक फिल्म जो मूवी है वो प्रसिद्ध है, तो राजस्थानी फिल्म में टर्टर उसको भी इन पुरस्कारों में शामिल किया गया है और सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो विशेष रूप से राजस्थान से संबंधित एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, टर्टर मूवी को भी ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर, राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर को आगामी किस राज्य के विधानसभा के चुनावों का प्रभारी नियुक्त किया है, जो 9 अगस्त 2019 से अपने इस कार्यभार को लेकर कार्य करेंगे। आगामी जो चार राज्यों में महाराष्ट्र चुनाव है, बिल्कुल ये आपको चारों ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है झारखंड, डी ऑप्शन है हरियाणा, और इन चारों राज्यों में नवंबर दिसंबर 2019 से पहले चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न करवाने जो विधानसभाएं, यहाँ पर चारों राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव है, तो इन चारों राज्यों के जो चुनाव है तो इसमें राजस्थान के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर को किस विधानसभा चुनाव का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, इसका आपको आंसर बताना है। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन झारखंड। झारखंड राज्य का ओम प्रकाश माथुर को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी या अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो जापान 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, टोक्यो जापान 2020 के ओलंपिक्स खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। अभी ये जैसे ही 9 वर्ष लगेगा 2020 में, तो आगामी ओलंपिक खेल 2020 में टोक्यो जापान की राजधानी वहां पर आयोजित किए जाएंगे, तो राजस्थान के किस खिलाड़ी ने इन ओलंपिक्स खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है, ए ऑप्शन है निशा कंवर शेखावत, बी ऑप्शन है अपूर्वी चंदेला, सी ऑप्शन है गौरवी सिंघवी और डी ऑप्शन है शताब्दी अवस्थी। देखो सबसे पहले इन निशा कंवर जो शेखावत है राजस्थान के सीकर जिले की है और अभी अगस्त माह में काफी चर्चा में रही, ये पैरा खिलाड़ी है और इसका संबंध शूटिंग निशानेबाजी से है। अपूर्वी चंदेला है राजघराने से संबंधित है और इसमें बी ऑप्शन ही सही है। अपूर्वी चंदेला राष्ट्रमंडल एशियाई खेलों में पदक भी जीता हुआ है और इनका चयन आगामी 2020 के ओलंपिक खेलों के लिए किया गया है, जिनका संबंध शूटिंग निशानेबाजी गेम से है। और जो गौरवी सिंघवी है ये भी राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी है और इनका संबंध तैराकी से है, जो स्विमिंग करते हैं उसमें तैराकी से गौरवी सिंघवी का संबंध है। और जो राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी है शताब्दी अवस्थी, ये भी पैरा खिलाड़ी है, शताब्दी अवस्थी का संबंध सोटपुर से और ये जयपुर जिले की है, और गौरवी सिंघवी जिसे वर्तमान में राजस्थान की जलपुरी भी कहा जाता है ये उदयपुर जिले की है। तो निशा कंवर शूटिंग निशानेबाजी, अपूर्वी चंदेला शूटिंग निशानेबाजी, गौरवी सिंघवी तैराकी और शताब्दी अवस्थी शॉटपुट गोला फेंक, तो इसमें जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन अपूर्वी चंदेला, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष का विदेश, विशेष रूप से आपने नाम सुना होगा, और राजस्थान में जैसे विधानसभा चल रही है ऐसे संपूर्ण भारत की लोकसभा अलग होती है, हर राज्य में विधानसभा होती है। ऐसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सबसे पहले समझना है फिर सोल्व करना है कि प्रथम राजस्थानी व्यक्ति जो केंद्र सरकार में यानी कि लोकसभा में, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जो केंद्र सरकार में रेल मंत्री रहे, देखो रेलवे मंत्री का सर्वोच्च पद होता है, कैबिनेट मिनिस्टर में शामिल होते हैं, इनमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बी ऑप्शन है गजेंद्र सिंह शेखावत, सी ऑप्शन है अर्जुन राम मेघवाल और डी ऑप्शन है सीपी जोशी। तो वर्तमान में जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है सीपी जोशी, जो नाथद्वारा राजसमंद से चुनाव लड़ते हैं, तो राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति है जो सीपी जोशी राजस्थान से क्या रहे, रेल मंत्री रेलवे मिनिस्टर रहे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है जयपुर ग्रामीण से लोकसभा में चुनाव लड़ते हैं, सोली लोकसभा में भी सांसद थे और खेल राज्य मंत्री भी रहे और वर्तमान में 17वीं लोकसभा में भी सांसद है।
गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, लेकिन वर्तमान में क्या राजस्थान के और पूरे भारत के रूप से जल संसाधन मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल भी वर्तमान में राजस्थान से क्या है सांसद है और मंत्री भी रह चुके। ऐसे सीपी जोशी वर्तमान में राजस्थान की जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष है और राजस्थान से बनने वाले प्रथम व्यक्ति है जो केंद्र सरकार में रेल मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय रहे हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन सीपी जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके बिल्कुल सामने है। ए ऑप्शन है 12 जनवरी, बी ऑप्शन है 12 अप्रैल, सी ऑप्शन है 12 अगस्त, डी ऑप्शन है 12 नवंबर। तो इसमें जो सी ऑप्शन है 12 अगस्त, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है संपूर्ण विश्व में। जबकि भारत की बात करें राष्ट्रीय जो नेशनल युवा दिवस है भारत में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन मनाया जाता है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। जबकि यहाँ पर आपसे पूछा गया अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस संपूर्ण विश्व में 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में संपूर्ण भारत की बात हो रही है कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है। संपूर्ण भारत का जो एक सभी उच्च न्यायालयों के ऊपर जो सबसे बड़ा और सर्वोच्च न्यायालय उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, वो नई दिल्ली में स्थित है। जबकि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय स्थित है। ए ऑप्शन है 24, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 26, डी ऑप्शन है 27। तो वर्तमान में टोटल भारत में 24+1 नवीनतम तेलंगाना उच्च न्यायालय हो गया है और 24+1 25 वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय स्थित है। कितने उच्च न्यायालय टोटल 25 और ये सभी उच्च न्यायालय हर राज्यों में अलग अलग है। जैसे राजस्थान उच्च न्यायालय कहां पर है जोधपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहां पर है भोपाल में स्थित है, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय कहां पर है इलाहाबाद में स्थित है, ऐसे हर राज्यों में अलग अलग है। ऐसे टोटल कितने 25 उच्च न्यायालय स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है जो सुमेलित करने के हिसाब से और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। निम्न को सुमेलित कीजिए, चार खिलाड़ियों के नाम दे रखे हैं और चार खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से है उनके सामने आपको सुमेलित करना है, किस खिलाड़ी का संबंध किस क्षेत्र से है। ए ऑप्शन है, एक ऑप्शन है माइकल फेलप्स, माइकल फेलप्स का संबंध बिल्कुल सामने दे रखा है बैडमिंटन से है। हुसैन बोल्ट, हुसैन बोल्ट का संबंध धावक बी ऑप्शन में, और सी ऑप्शन में टाइगर वुड्स, टाइगर वुड्स का संबंध तैराकी से, और डी ऑप्शन में लिंडेन का संबंध गोल्फ से। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं कि ए ऑप्शन में 3-2-4-1 सही है, बी ऑप्शन में 3-4-2-1 सही है, सी ऑप्शन में 3-1-4-2 सही है, डी ऑप्शन में 3-2-1-4 सही है। ये आपके ऑप्शन बिल्कुल सामने है। जैसे आपके यहाँ पर लिख रखा है जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले नाम है माइकल फेलप्स, पूरे वर्ल्ड में माइकल फेलप्स का नाम चलता है और माइकल फेलप्स संपूर्ण विश्व का एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जिसके नाम सर्वाधिक गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीतने का एक विश्व रिकॉर्ड है। किसी भी के खिलाड़ी के नाम ये विश्व रिकॉर्ड अभी तक नहीं है, नाम है। और जो ओलंपिक्स होता है खेलों का जिसे महाकुंभ कहा जाता है, तो माइकल फेलप्स का संबंध जिस खेल से उसका नाम है तैराकी। इसके बाद है हुसैन बोल्ट, हुसैन बोल्ट जमैका का धावक है और विश्व का सबसे बड़ा फर्राटा दौड़ यानी कि इसको आप धावक एथलेटिक्स बोल सकते हैं, हुसैन बोल्ट का संबंध धावक से है। और जो अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी है टाइगर वुड्स, जिन्हें अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार भी अभी वर्ष 2019 में दिया गया, इनका संबंध है गोल्फ, जो गोल्फ खेल होता है उससे। और जो इसमें लास्ट दे रखा है लिंडेन, ये चीन के प्रसिद्ध खिलाड़ी है और इनका बैडमिंटन के क्षेत्र में पूरे वर्ल्ड में नाम चलता है लिंडेन का, और इनका संबंध किससे है बैडमिंटन खेल से है। माइकल फेलप्स अमेरिका के तैराक है, हुसैन बोल्ट
जमैका के प्रसिद्ध धावक है, और जो टाइगर वुड्स है अमेरिका के प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी है, और जो लिन डेन है चीन के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है। इसमें आपको सुमेलित करना है, ए बी और सी और डी तीनों ऑप्शन में तीन तीन दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन माइकल फेलिप्स का संबंध किससे, तैराकी से, तो तीनों में कॉमन आ रहा है। उसेन बोल्ट का संबंध किससे, धावक से। अब बी ऑप्शन ए ऑप्शन में आ जाएगा तीन, और बी ऑप्शन में आएगा दो, दो किसमें भी नहीं है, ए ऑप्शन में तीन के बाद दो है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में चार है, सी ऑप्शन में एक है, डी ऑप्शन में दो है। तो माइकल फेलिप्स तैराकी, उसेन बोल्ट दो ऑप्शन वाला धावक, और टाइगर वुड्स, जो टाइगर वुड्स है टाइगर वुड्स का संबंध किससे, गोल्फ से, तो दो के बाद क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन में चार। और लिनडेन, लिनडेन जो प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है, इसका संबंध किससे है, बैडमिंटन खेल से, और कहां का है, चाइना का, चीन देश का है, तो इसमें आ जाएगा चौथे में एक, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। ये आपके जो बिल्कुल क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट और आपके लिए मददगार है। इन क्वेश्चनों से जो आपको कोई सा भी एग्जाम हो, जो आपके वीडियो पहले प्रसारण हो चुके हैं, वीडियो डाले जा चुके हैं, उन्हीं में से ये बिल्कुल क्वेश्चन आपको बनाए गए हैं, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको दर्शाया गया, बताया गया। अपना लास्ट टॉपिक है, लास्ट ये बिल्कुल पैराग्राफ है। इन क्वेश्चनों को अगर आप बार बार देखोगे, इनको सोल्व करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसका पैरामीटर क्या होता है, दायरा क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। ये इसी चीज को लेकर इस वीडियो में आपसे मेहनत की गई है, और इन जो आप जो भी जितने भी आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दिए जो बनाए गए हैं, ये सब पहले वीडियो से पहले डाले जा चुके हैं। अगर आप उन वीडियो को देखोगे तो उन वीडियो में भी इनके आपको आंसर मिल जाएंगे। इसमें तो आपको आंसर बताए जा रहे हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों से संबंधित वर्तमान में गेम से संबंधित काफी क्वेश्चन आते हैं, इनको विशेष रूप से आप ध्यान रखना और नोटिस करना। ये ऑब्जेक्टिव प्रतियोगिता है, हमारा जो लक्ष्य है, मकसद है आपका अधिक से अधिक सुधार करना और आपको किसी भी एग्जाम की दृष्टि से सफलता दिलाना। तो विशेष रूप से आप वीडियो, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें,